हेलो एवरीवन, सो ये मेरा पहला इंस्ट्रूमेंट है जो मैं शायद यहाँ सीखूँगी और ये मेरा डे वन है। मैंने आज ये फ्लूट खरीदी है एंड मैं बहुत एक्साइटेड थी इसके बारे में सब कुछ जानने के लिए। मुझे लाइक एज यूजुअल सब कुछ सीखना है एक ही बार में। सो मैं आपको बताना चाह रही हूँ मेरा आज का एक्सपीरियंस कैसा था, मैंने क्या क्या सीखा इस फ्लूट के बारे में। फर्स्ट थिंग दैट आई लर्न वाज ये एक स्ट्रेट फ्लूट है एंड दो टाइप के फ्लूट्स मुझे इतना पता अभी तक। एक साइड फ्लूट होती है जो यूजुअली इस साइड से ऐसे करके बजाई जाती है एंड ये एक स्ट्रेट फ्लूट है जिसको हम ऐसे करके बजाएंगे। नेक्स्ट था कि इसमें फिंगर्स रखिए तो रखे कैसे और कौन सी रखनी है। सो हमेशा जो रूल था वो है लेफ्ट हैंड ऊपर एंड ओनली थ्री फिंगर्स, देन राइट हैंड नीचे, देन वी हैव टू जस्ट ब्लो इट। बट ब्लो करते वक्त भी एक रूल है दैट यू हैव टू कीप लाइक हियर अ बिट एट द टीथ, नॉट जस्ट फ्रॉम द लिप्स। सो वैसा ओके। नेक्स्ट मैंने आज क्या क्या सीखा, मैंने सीधा ही एक्चुअली जिंगल बेल्स शुरू करना सीखा बिकॉज मुझे लगा कि कुछ बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। बट एक्चुअली ना दैट वाज नॉट बेसिक, बेसिक इंक्लूड सारे गामा पा रहा नहीं सा। सो मैंने वो सीखा, रूल सिंपल था, सा मींस अपर थ्री, देन रे मींस अपर टू, गा मींस जस्ट अ वन, देन मा मींस हाफ हाफ ऑफ द फर्स्ट वन, देन पा दैट इज होल सिक्स फिंगर्स, नेक्स्ट इज धा फाइव फिंगर्स, देन नी फोर फिंगर्स एंड अगेन सा। सो मैं आज आपको एक बजा के बजाती हूँ ओके, पर इट्स माई फर्स्ट डे सो आई डोंट थिंक मैं अच्छा करूँगी ज़्यादा, बट आई थिंक आई विल इम्प्रूव। कमेंट करके बताइए वो कैसा लगा।